हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर में कोरोना वायरस को लेकर बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। कोरोना वायरस से पीड़ित इटली के व्यापारी के संपर्क में आने वाले परिवार के 4 सदस्यों के नमूने लखनऊ की प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जिस परिवार के 4 सदस्यों की सैंपलिंग की गई, वह बुलंदशहर के सिकंदराबाद के निवासी हैं। इसी परिवार का एक सदस्य दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है। बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर अब तक 23 यात्रियों की कर चुका है निगरानी। नहीं, हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया कोरोना का। एक परसों आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एक दिल्ली में केस पॉजिटिव मिला है जो कि इटली से लौटे थे। तो उनके साथ एक उनके संपर्क में रहने वाले हैं, उनके यहाँ काम करते हैं, उनकी फैमिली बुलंदशहर की है और वो भी एसिम्प्टोमेटिक है और फैमिली में भी किसी को इस तरह के कोई लक्षण नहीं है। लेकिन चूंकि वो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट से उनकी हिस्ट्री है, इसलिए हमने एहतियातन उनको आइसोलेशन में रखा है और उनके सैंपल जांच के लिए KGMU भेजे हुए हैं। सर, कितने मेंबर्स के भेजे हैं? हमने 4 मेंबर हैं उनकी फैमिली में और पांचवा तो वो लड़का खुद है, लेकिन उसका सैंपलिंग उसकी दिल्ली में हो गई है। तो जो बाकी परिवार के सदस्य यहाँ बुलंदशहर में रहते थे, चूंकि उनके संपर्क में थे, इसलिए एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।